डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 8 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है द मू इन मुइचिरो। बेसिकली ये पूरा एपिसोड तोकिदो के पास्ट के बारे में है कि वो हाशिरा कैसे बना और उसने स्पोर्ट्समैनशिप कैसे अडॉप्ट करी। और इसी एपिसोड में हमें तोकिदो का मार्क एक्टिवेट होते हुए दिखेगा और थोड़ा बहुत गियोको का पिटना। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है तोकितो से, जो अभी अभी ग्योको के जाल से बच के निकला है। तोकितो की बॉडी में ग्योको के इतने सारे पॉइजन नीडल्स घुस चुके थे कि उसके लिए अभी मूवमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो देखता है कि कोतेत्सु वहीं पर घायल पड़ा है और वो तभी देखता है कि वो फिश वाले डिमन ने अपने साथ ही बुला रखे हैं। तोकितो के पास अभी कोई होप बची नहीं होती है, लेकिन तभी उसे अपने पिता के फ्लैशबैक्स आते हैं कि वो कह रहे हैं नॉट टू गिव अप एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो वो तभी रेडी हो जाते हैं उन फिश डिमन से लड़ने के लिए और वो फिश डिमन भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है तोकितो के बैक स्टोरी पर। इस सीन में हमें दिखता है कि तोकितो अपने पिता के साथ पेड़ काट रहा होता है। बेसिकली उसका पिता एक वुड कटर है जिनकी तोकितो पेड़ काटने में हेल्प करता है और तोकितो को ये काम बहुत पसंद भी आता है, अपने पिता को हेल्प करना। यहाँ पर तोकितो के फादर के एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि वो भी तांजिरो की तरह एक हार्ट वार्मिंग, एक काइंड हार्ट और एक हेल्पिंग नेचर का बंदा है, जिसका रीसेंट तोकितो बिल्कुल ही उल्टा है। लेकिन पहले तोकितो ऐसा नहीं था, पहले तोकितो भी अपने पिता की तरह ही एक हेल्पिंग बंदा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिससे तोकितो ऐसे कन्वर्ट हो गया, यही इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है। सीन शिफ्ट होता है तोकितो की मदर पर, जो बहुत बीमार है और तोकितो अपनी माँ की सेवा कर रहा है, लाइक टॉवल को गीला करना, माथे पे रखना एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तभी तोकितो की माँ एक ऐसी लाइन बोलती है जिससे हम और तोकितो दोनों ही कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ शायद अब ये मर सकती है। आई एम कोल्ड। बेसिकली अगर तुम लोगों को नहीं पता तो एनिमे में अगर कोई भी बंदा आई एम कोल्ड, आई कैनॉट फील माई लेग या फिर आई कैनॉट फील माई हार्ट बीट्स ऐसे शब्द अगर कोई बोलता है ना, तो मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि या तो ये बंदा मरने वाला है या फिर इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है तोकितो के फादर के ऊपर, जो कि एक माउंटेन के ऊपर जाके स्पेशल तरीके का मेडिकल फ्लावर लाने जाते हैं। हमें दिखता है कि वो फ्लावर माउंटेन के एक एज की तरफ है और उसी को लेने के लिए तोकितो के फादर अप्रोच करते हैं। एंड गेस व्हाट, उनका पैर फिसल जाता है और उसी फ्लावर के साथ वो गिर के मर जाते हैं। उसी दिन एट द एज ऑफ जस्ट 10 तोकितो ने अपने दोनों पेरेंट्स को गवा दिया था। सीन शिफ्ट होता है तोकितो के पेरेंट्स के फ्यूनरल की तरफ, जहां पर हमें पता चलता है कि तोकितो का एक और बड़ा भाई भी था। अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद तोकितो के भाई के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और इसीलिए वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने लगा तोकितो की तरफ। वेल यहाँ मैं तोकितो के भाई का नाम बोलना भूल गया, जिसका नाम है युइचिरो। युइचिरो के थॉट थोड़े से रियलिटी फेसिंग और थोड़े से रूड भी होते हैं। वो कहता है कि दूसरों के हेल्प करने वाले व्यक्ति कभी भी जिंदा नहीं बच सकते या फिर उनका कभी भी भला नहीं होगा। तोकितो इस बात को गलत कह के अपने भाई युइचिरो से कहता है कि तुम इस बात पे गलत हो, हमारे पिता बहुत ही नेक दिल इंसान थे और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। इसी बात पे युइचिरो गुस्सा होता है और युइचिरो को कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब ही पता है? तुम्हारे नाम में जो मुँह है, द मुँह इन युइचिरो स्टैंड्स फॉर मीनिंगलेस, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। इस बात को कहते हुए हम युइचिरो के टोन में एक टोन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने भाई युइचिरो के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल है और उसको सर्वाइव करने के लिए उसके अगेंस्ट रिक्ट बन रहा है। इस बात के बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक बातचीत बंद हो जाती है। काफ़ी लंबे अरसे तक युइचिरो के अगेंस्ट ऐसे ही कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, लेकिन उसने कभी उसे नकारा नहीं, ना तो उसे अबैंडन करके छोड़ दिया। इसका मतलब वो अपने भाई से प्यार करता है, बस इसीलिए वो उसके अगेंस्ट ऐसे कोल्ड बिहेवियर करता है। काफ़ी सीजन्स के बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है, तब युइचिरो रिवर में पानी लेने जाता है। तब वहाँ उसे एक वाइट हेड लेडी मिलती है, इसका नाम है मिस अमाने, जो होती है मास्टर कागाया की वाइफ। वो तोकितो के घर को विजिट करती हैं और उन्हें बताती है कि युइचिरो और युइचिरो दोनों ही एक बहुत ही ग्रेट स्वॉर्ड्समैन के डिसेंडेंट्स हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है योरीची और कोकुशिवो की। डायरेक्ट डिसेंडेंट्स युइचिरो और युइचिरो हैं। इस बात से हमें ये क्लियर होता है कि कैसे तोकितो का बहुत ही कम एज में ही एक हाशिरा बन गया था, क्योंकि भाई योरीची की ब्लड लाइन है भाई, तुम जानते हो कितनी ओपी है वो। मिस अमाने उन दोनों को ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है, जिस पे युइचिरो चिढ़ के मिस अमाने को गाली गलौज देके वहां से भगा देता है। उसी शाम डिसेंडेंट्स की बात को लेके युइचिरो बड़ा खुश था, लेकिन युइचिरो के बारे में तो तुम्हें पता ही है, वो किसी की मदद नहीं करना चाहता, तो इसलिए यार वो बिल्कुल भी राजी नहीं था इस बात से। तोकितो युइचिरो को कन्विंस करते हुए कहता है कि अगर हम कुछ डीमन्स को मार के कुछ लोगों की मदद करें तो उसमें क्या बुरा है।
इस पर युचिरो कहता है कि हम बस बच्चे हैं, हम उन ग्रेट स्वॉर्ड्समैन की तरह कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात पर युचिरो जिद करता है, लेकिन तभी युचिरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और तभी वो रेडिश के एक बड़े पीस को गुस्से में एक ही बार में काट देता है। ये काइंड ऑफ सिग्नल था तोकितो के लिए कि भाई तू चुप रहे। अब बड़े ही एंग्री टोन में युचिरो मुइचिरो को बताता है कि हम जैसे बच्चे किसी की मदद नहीं कर सकते और जो इंसान जो दूसरों की मदद करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे पिता की तरह ही जल्द ही मारे जाते हैं। वो आगे कहता है कि अगर उस दिन पिताजी माँ के लिए मेडिसिन लेने नहीं जाते तो सिर्फ और सिर्फ माँ मरती, ना तो पिताजी। तोकितो युचिरो को चुप रहने कहता है, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने पिताजी को बार बार उस दिन रोकने की कोशिश की थी और मैं बार बार माँ को ये भी समझाता था कि हमारे लिए ज़्यादा काम ना करे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी और देखो अब हम अनाथ हो चुके हैं। आगे युचिरो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ चूजन वंस ही किसी ना किसी की मदद करने के लिए होते हैं, हम जैसे नॉर्मल आदमी या फिर हम जैसे छोटे बच्चे किसी की मदद करने के लिए नहीं पैदा होते और किसी की मदद करते हुए हम भी जल्द मारे जाएंगे। वो कहता है इस बात पे और हम कभी भी बात नहीं करेंगे और वो तोकितो को कहता है डिनर रेडी करो। इसी पॉइंट से युचिरो और मुइचिरो दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल ही बंद हो जाती है। बार बार मना करने के बावजूद लेडी अमाने उनके घर को बार बार विजिट करती थी ताकि वो एक ना एक दिन मान जाए और डिमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर ले, लेकिन फिर भी एक दिन युचिरो बड़े गुस्से में आके उसी लेडी अमाने पे पानी फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है एक रात पे, एक रात तोकितो और युचिरो दोनों ही सो रहे होते हैं। तोकितो की नींद खुलती है और वो जाके पानी पीने के लिए जाता है, तभी उनके घर में एक डीमन घुस आता है और वो देखता है वहीं पर तोकितो खड़ा है। वहीं पर डीमन तोकितो पे एक बहुत ही खतरनाक सा हमला करता है, लेकिन युचिरो बीच में आ जाता है और उस अटैक को अपने पे ले लेता है। इस अटैक से युचिरो का एक हाथ पूरा कट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऑब्वियसली भाई वो 10 साल का बच्चा, उसका हाथ कटा है, मतलब चिल्लाना लाइक इट इज़ वेरी नॉर्मल। तोकितो अपने भाई को हाउस के कॉर्नर तक ड्रैग करते हुए लेके जाता है और वहीं पर वो डीमन आके उन दोनों को मारने से पहले एक बात बोलता है कि तुम दोनों की ज़िंदगी मीनिंगलेस है, तुम दोनों जीके भी और क्या ही करोगे, इससे अच्छा मेरा खाना ही बन जाओ। अब इसी पॉइंट पे तोकितो का खून खौलने लगता है, मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भरने लगता है तो जोर से सीजन 2 तांजिरो की तरह चिल्लाने लगता है। और सीन कटते अगले सीन में हमें दिखता है कि वो उस डीमन को तोकितो ने बड़े बुरी तरीके से मारा है। सनलाइट आते ही वो डीमन खत्म हो जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि तोकितो को पता भी नहीं है कि ये सब उसने किया है। बेसिकली ये उसकी इंस्टिंक्ट ने किया है, स्वॉर्ड्समैन इंस्टिंक्ट। अब उस फाइट के बाद तोकितो इतना थक चुका होता है वो चल भी नहीं पाता, फिर भी वो रेंगते हुए अपने घर के पास जाता है और उसे दिखता है उसका भाई वहीं पर बेड में पड़ा हुआ है अपने आधे कटे हाथ के साथ। वो लॉर्ड बुद्धा से प्रे करता होता है, प्लीज गॉड कुछ भी कर लो बस मेरे भाई को बचा लो, इस सब की वजह मैं हूँ, मैंने ही अपने भाई को एक कोल्ड बिहेवियर दिया। वो कहता है प्लीज गॉड मेरा भाई बहुत इनोसेंट है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है, बस मैं ही उसके रास्ते के बीच में आ गया। यहीं पर युचिरो कहता है कि मू इन मुइचिरो स्टैंड्स फॉर इन्फिनिटी, मतलब वो झूठ बोल रहा था मुइचिरो बस उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कि तुम्हारी लाइफ मीनिंगलेस है। दरअसल मुइचिरो का मतलब ही होता है इन्फिनिटी, मतलब अनंत। ये कहते ही वो अपना दम तोड़ देता है और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। स्टोरी तोकितो ये सब कुछ रिमेम्बर करता है और तभी उड़ता है अपने बल पे और तभी हम लोग देखते हैं कि उसका मार्क एक्टिवेट हो चुका है। इसी के साथ तोकितो एक पहला हाशिरा बन जाता है जिसने अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर लिया है इस जनरेशन में। तभी वो मिस्ट ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करके कोतेत्सु को बचा लेता है। यहाँ पर कोतेत्सु कहता है मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाइए हागा नेजुका को बचाइए। सीन शिफ्ट होता है हाउस के सीन में जहाँ पर अपर 5 हागा नेजुका और वो स्पोर्ट्स में तो वहीं पर है। यहाँ पर ग्योको अभी भी ना मिलने के कारण हागा नेजुका के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है और अचानक मुइचिरो तभी एंट्री मारता है और ग्योको के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक लैंड करता है। ग्योको टेलीपोर्ट होकर आगे चला जाता है और वो नोटिस करता है मुइचिरो का मार्क। अब ग्योको सोच में पड़ जाता है कि उसके नीडल्स ने तो मुइचिरो को पैरालाइज कर दिया था, फिर भी वो इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है और उसने मेरे गले के ऊपर इतना बड़ा कट कैसे दिया। जी हाँ, तोकितो ने जब अटैक किया तब ग्योको ने शिफ्ट तो किया था, लेकिन तोकितो इतना फास्ट था कि उसने उसके टेलीपोर्टेशन के पहले ही उसने उसके ऊपर एक कट लैंड कर दिया था। अब ग्योको गुस्से में पूरे हाउस के ऊपर अपने ऑक्टोपस अटैक से हमला कर देता है जिससे पूरा हाउस उड़ जाता है। तोकितो, कोतेत्सु और वो स्वॉर्ड्स में तीनों ही ग्योको के ऑक्टोपस ट्रैप में आ जाते हैं। हागा नेजुका वहाँ पर जाके गिरता है, लेकिन फिर से वो उठ के अपने स्वॉर्ड को होनिंग करना स्टार्ट करता है। वेल सैल्यूट टू हिज डेडिकेशन। बैक टू द स्टोरी, अभी तोकितो अपना अटैक इस्तेमाल करके वो सारे ऑक्टोपस के एक ट्रैप को तोड़ देता है। एपिसोड 7 और एपिसोड 8 में डिफरेंस देख सकते हो मुइचिरो की पावर में विथ मार्क वर्सेस विदाउट मार्क।
वहीं पर वो स्वॉर्ड्समैन कानामोरी को शुक्रिया कहता है उसके लिए वो स्वॉर्ड बनाने के लिए। इस बात पे कानामोरी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मैंने अपने सीनियर यानी कि आपके फर्स्ट स्वॉर्ड्समिथ के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो किया है। तभी मुइचिरो कहता है मिस्टर टेत्सुइडो मेरे फर्स्ट स्वॉर्ड्समिथ थे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मुइचिरो की एनमेशिया पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब अब उसको सब कुछ याद है। अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर मिस्टर टेत्सुइडो और मुइचिरो बात कर रहे होते हैं। मिस्टर टेत्सुइडो को एक हार्ट डिजीज होती है जहाँ पर वो जल्द ही मरने वाले होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में हमेशा चिंता करता रहता हूँ, तो आगे अपना ख्याल खुद रखना। इसी के साथ मुइचिरो और ग्योको के बीच में घमासान युद्ध होता है और ग्योको को वो ऑलमोस्ट स्लैश करने वाला होता है। अभी ग्योको टेलीपोर्ट हो जाता है एक ट्री के ऊपर। वो कहता है मुइचिरो कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, और मुइचिरो बड़े कॉन्फिडेंस में कहता है कि आर यू श्योर अबाउट दैट। और तभी नेक्स्ट सीन में ग्योको की गर्दन ऑलमोस्ट कट चुकी है, मतलब अब मुइचिरो 10 times ज़्यादा फास्टर है और ग्योको के लिए बचना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि अगले कुछ अटैक्स में मुइचिरो ग्योको को हरा ही दे। मुइचिरो कहता है कि मुझे ज़िंदगी में तुम्हारे गर्दन काटने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, तो चलो इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। तभी मुइचिरो और ग्योको के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट होती है। मुइचिरो लड़ते वक्त अपने ब्रदर को सॉरी कहता है फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ही हैज़ कॉज्ड, और इसी के साथ इस बीच फाइट में एपिसोड का हो जाता है दी एंड। तुम्हारा इस एपिसोड के लेके क्या राय है तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और ये भी तुम बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। तो यार आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में जहाँ पर हम किसी और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।